साल 2021 आने वाला है। सभी नए साल का इंतजार कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसे लड़की वाले बारात का इंतजार करते हैं। जिससे पूछो उसके पास नए साल को मनाने का कोई न कोई प्लान है ही। पांडे जी ने भी नए साल को धूमधाम से मनाने की प्लानिंग कर रखी है, लेकिन इस प्लानिंग के बीच सभी ये भूल गए हैं कि कोरोना तो अभी गया नहीं है। दिल्ली में सपरिवार रहने वाले हमारे पांडे जी का भी यही हाल है। वैसे भी वो बड़े ही लापरवाह किस्म के आदमी हैं, तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि कोरोना गया है या नहीं। पांडे जी अपनी बीवी और अपने दोनों बेटों के साथ अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। उनका बड़ा बेटा आलोक कागज पर कुछ लिख रहा है और छोटा बेटा शेखर चाय पी रहा है। अरे आलोक बेटा, यादव जी का नाम तो मैं भूल ही गया, अब पार्टी में आने वालों में उनका भी नाम लिख लो। जी पापा। तभी चाय पी रहे पांडे जी का दूसरा बेटा शेखर अपने पापा को टोकता है। क्या कर रहे हो पापा, 300 आदमी हो गए। तो क्या हो गया, 300 हो गए तो? पापा, कोरोना के कारण इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए सरकार ने अभी मना किया है। अरे बाप को मत सिखा दो, सरकार ने मना किया है? अरे दिमाग से पैदल हो क्या है? सरकार के पास इतना टाइम है क्या कि हर घर में जाकर गिनती गिने और कहे कि भाई साहब आपने इतने लोगों को क्यों बुला लिया पार्टी में है? पांडे जी बिना मास्क के सड़क पर अपनी बाइक से जा रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि आगे पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वाले ने उन्हें बिना मास्क के देखा तो उन्हें रुकने को कहा। कहाँ चल दिए भाई साहब, आपको पता नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है? वैसे पुलिस को देखकर पांडे जी की हवा निकल गई थी, लेकिन फिर भी वो पुलिस के सामने चौड़े हो गए। अरे भाई, आजाद भारत है और ये लॉकडाउन लगाकर तुम हमारी आजादी छीन रहे हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुलिस वालों ने पांडे जी को बहुत समझाया कि लॉकडाउन लगाने का क्या कारण है, पर पांडे जी तो ठहरे पांडे जी, वो उल्टा पुलिस वालों से ही उलझ गए। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने डंडे से इनकी वो पिटाई की, ये लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंचे। पांडे जी की बीवी ने जब इनकी ये हालत देखी तो उनसे पूछा कि अरे क्या हो गया, कहीं गिर गए थे क्या, ये इस तरह लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? अरे कहीं गिरा नहीं हूँ, बस ये समझो आजादी की लड़ाई लड़कर आ रहा हूँ। पांडे जी की बीवी को कुछ समझ नहीं आया कि पांडे जी कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं। वो तो पड़ोस वाले चौरसिया जी ने बताया कि पुलिस वालों ने मास्क नहीं पहनने के कारण इनकी पिटाई कर दी है। बहरहाल पुलिस वालों की पिटाई के बाद पांडे जी ने मास्क लगाना तो शुरू कर दिया, लेकिन इनका मास्क कभी नाक पर नहीं रहता था, वो तो हमेशा इनके गले में लटकता रहता। खैर ये तो रही पुरानी बात, अब तो लॉकडाउन रहा नहीं, इसलिए पांडे जी का मास्क फिर से लावारिस सामान की तरह घर के कोने में पड़ा रहता। एक दिन, अरे फिर से आप मास्क के बिना घर से बाहर जा रहे हैं? तुम अपने काम से काम रखो, मुझे टोका मत करो। न्यू ईयर पार्टी के कुछ दिन पहले की बात है, पांडे जी बड़े तमतमाए हुए थे। आलोक, शेखर, कहाँ हो तुम? क्या हुआ पापा? ये सैनिटाइजर का बोतल कौन लाया घर में? मैं लाया हूँ, क्यों क्या हुआ? बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास जो तुमने इसे खरीदने में पैसे खर्च कर दिए। पापा कल पार्टी है घर पर, इतने लोग आ रहे हैं, थोड़ी सावधानी जरूरी है। अरे बेवकूफ, सैनिटाइजर क्या कर देगा है? बोलो क्या कर देगा सैनिटाइजर? ये सब मार्केट की चाल है, मैं बस अपना प्रोडक्ट बेचना है और कुछ नहीं। तुम आज के आज सारे सैनिटाइजर्स वापस करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी रात की बात है, घर के सारे सदस्य सोए हुए थे, पांडे जी को नींद नहीं आ रही थी, वो ड्राइंग रूम में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर फिर से सैनिटाइजर्स की बोतल पर गई। इस लड़के को सुबह इतना समझाया लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया, पैसे खुद कमाने पड़े तब ना पता चलेगा, अभी तो बाप के होटल में खा रहे हैं इसलिए मस्ती सूझी है।
गुस्से में वो सैनिटाइजर के बोतलों को एक थैले में भरने लगे कि कल इसे खुद वापस लौटा देंगे। तभी उन्हें किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है, कौन हंस रहा है यहाँ? पांडे जी को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ देर बाद एक सैनिटाइजर की बोतल अचानक से बड़ी होने लगी। वो पांडे जी के आकार से भी बड़ी हो गई। फिर अचानक से उसका ढक्कन खुल गया और उससे एक बहुत बड़ा सा बुलबुला निकला। उस बुलबुले के अंदर एक बड़ा सा भूत बैठा था। पांडे जी ने जैसे ही उस भूत को देखा तो डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। भूत, अरे बचाओ, आलोक, शेखर, अरे कहाँ मर गए सबके सब? देखो तो घर में भूत घुस आया है। जब तक कोई पांडे जी की आवाज सुनता, वो भूत पांडे जी को खींचकर बुलबुले के अंदर ले गया। अरे भूत भाई, ये क्या कर रहे हो? इस बुलबुले के अंदर मेरा दम घुट रहा है। कमाल करते हैं पांडे जी आप, आपका दम घुट रहा है। अरे आप तो कईयों का दम घोटने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। कल 300 लोगों को पार्टी पर बुला रहे हैं। आपको ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र है, ना ही मास्क या सैनिटाइजर लगाना चाहते हैं। पर कोरोना आप कहाँ है? क्यों, आपने वैक्सीन बना ली क्या? मैं क्यों बनाऊं? है मैं डॉक्टर थोड़े ना हूँ। जब डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर की बात सुनते क्यों नहीं? आपको पता है ये कोरोना कितना भयानक है, कितने लोगों को ये मार चुका है। आप जानते हैं कि सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से इससे बचा जा सकता है, तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती आपको? जब सैनिटाइजर वाला भूत और पांडे जी बातें कर रहे थे, तभी पांडे जी की पत्नी की नींद खुल गई। उन्होंने जब पांडे जी को किसी से बतियाते सुना तो वो भी ड्रॉइंग रूम में आ गई और भूत और पांडे जी की बातें सुनने लगी। अब कितने दिन जानवरों की तरह मास्क लगाकर घूमते रहे हैं, सैनिटाइजर लगाकर हाथों को खराब करते रहे। जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए, आपको तो पता है कि नए साल में वैक्सीन आ जाएगी, फिर कोरोना गायब हो जाएगा। तो क्यों वैक्सीन आने के पहले अपनी और अपने लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो? तुम्हें पता है कोरोना ने लाखों लोगों को मार दिया है, अगर इसने तुम्हें भी मार दिया तो क्या तुम नए साल का आनंद ले पाओगे? बोलो बोलो ना। तुम ठीक कहते हो भूत भाई, मुझसे गलती हो गई। अब जब वैक्सीन आने वाली है, उस समय अगर मैं ऐसी लापरवाही करूं तो ये ना तो मेरे लिए अच्छा होगा, ना मेरे परिवार और दोस्तों के लिए। पांडे जी, किसी शायर ने कहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब पानी कम हो गया है पांडे जी, इस समय डूबने वाला बेवकूफ कहलाएगा। भूत भाई, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अब ये गलती नहीं करूंगा। मुझे नया साल मनाना है, खुशी से मनाना है, परिवार के साथ मनाना है और जिंदा मनाना है। इसलिए सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का साथ तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक वैक्सीन ना आ जाए हाथ। गुड, समझदार लगते हो। समझदार था नहीं है, लेकिन आपने बना दिया है। अब आप भी समझदारी दिखाइए और मुझे इस बुलबुले से निकाल दीजिए। फिर उस सैनिटाइजर वाले भूत ने पांडे जी को बुलबुले से निकाल दिया। पांडे जी की जान में जान आई। अच्छा चलता हूँ, मेरी बातों का ध्यान रखना। हैप्पी न्यू ईयर। जरूर रखूंगा, हैप्पी न्यू ईयर। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए।
बेस्ट बडीज।